अस्सलाम वालेकुम, इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पांच ऐसे मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग हजारों तरह का कंटेंट आइडियाज फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, आप लोग यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, ब्लॉग लिखते हैं, या आप लोग वेबसाइट आपके पास है और आप लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो आप लोगों के पास अगर आइडियाज नहीं है तो मैं आपको पांच ऐसे मेथड बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा जहां से आप लोग हजारों तरह का कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं और उन कंटेंट्स के रिलेटेड आप लोग फिर वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास आता है कोरा, कोरा.com। ये क्वेश्चन आंसर कम्युनिटी है बेसिकली, और यहाँ पर लोग क्वेश्चंस भी आस्क करते हैं, या अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं, या बहुत सारे लोगों ने सवाल किए होते हैं, अगर आपके पास उसका आंसर है, आपके पास जवाब है, तो आप लोग उसको जवाब भी दे सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपको हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे कंटेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप वीडियोज़ भी बना सकते हैं और आप लोग कंटेंट भी राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, लाइक फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये मैंने कुछ फॉलो किए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ से सर्च करें, फ़र्ज़ करें कि आपने लिखना है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर या वीडियो बनानी है, तो हम एफिलिएट मार्केटिंग को सर्च करते हैं यहाँ से, और ये आपको आइडियाज़ मुख्तलिफ देता है साथ के, एफिलिएट मार्केटिंग पॉइंट, एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग जो भी आपने सर्च करना है आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग की जो मतलब इसकी कैटेगरी है ये ओपन होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 87,000 के करीब फॉलोअर्स हैं इसके, और यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की तरह आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आंसर्स भी मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब ये आपके पास वो तमाम आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं, उसके ऊपर कंटेंट भी लिख सकते हैं, वीडियोज़ भी बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी आइडियाज़ इससे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग लिख ले या कोई भी आपने जिस चीज़ के मतलब भी बनाना है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे कंटेंट आइडियाज़ फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं या आपको नहीं पता तो इंटरनेट के ऊपर जो गोल्ड माइन है बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वो कोरा ही है, यहाँ पर आपको लोगों का माइंड पता चलता है, तो आप लोग इसकी मदद ले सकते हैं और हज़ारों तरह का कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास, आप लोग answerthepublic.com के ऊपर आ सकते हैं। आंसर दी पब्लिक बेसिकली ये एक वेबसाइट है या इस तरह का एक आप ये कह लें कि एक टूल है जिसकी मदद से जो लोग पूछते हैं उससे रिलेटेड ये कंटेंट फाइंड करके देते हैं। लाइक इंटरनेट के ऊपर जो भी लोग हज़ारों तरह के क्वेश्चंस होते हैं लेकिन कुछ सिमिलर होते हैं, तो ये उनको कंपाइल करके आपको ऐसा रिजल्ट देता है कि लोग क्या पूछ रहे हैं। लाइक यहाँ पर मैं कोई भी एक टर्म यूज़ करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि डॉग ट्रेनिंग किस तरह की जाती है, इससे रिलेटेड क्या चीज़ लोग सर्च करते हैं या फाइंड करते हैं या पूछते हैं। तो डॉग ट्रेनिंग यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, 73 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। ये वो वाले हैं जो टॉप क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, हाई लेवल के ऊपर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बेसिकली ये इसका फ्री वर्जन है, आप इसको अपग्रेड करेंगे तो इसको ज़्यादा भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। अब यहाँ से आप लोग ये आपको विजुलाइज करके बताया गया है, हम इसको डाटा पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको कैन से रिलेटेड, फार से रिलेटेड, इज से रिलेटेड, इसी तरह विदाउट से रिलेटेड बहुत सारे आपको कंटेंट आइडिया यहाँ से मिल जाएंगे। आप लोग इनके ऊपर डॉग ट्रेनिंग टू स्टॉप बाइटिंग, डॉग ट्रेनिंग टू स्टॉप बार्किंग, डॉग ट्रेनिंग टू हील, तो इस तरह आपको हज़ारों तरह के आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप लोग इसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं, वीडियोज़ बनाएं, बेशक ब्लॉग राइटिंग करें, जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट आइडियाज़ इसकी मदद से भी मिल जाएगा। अब इसका प्रो प्लान मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा और बिल्कुल आप कभी भी इसको ना लीजिएगा, फ्री में इसको ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से भी मिल जाएगा। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आता है reddit.com। बेसिकली जो फॉरम्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हज़ारों नहीं लाखों तरह की फॉरम वेबसाइट आपको मिल जाएगी, लेकिन रेडिट दुनिया की बेस्ट वेबसाइट है। ये बेसिकली एक फॉरम है, इसको आप क्वेश्चन आंसर भी समझ सकते हैं जैसे कोरा वर्क करता है, लेकिन ये एक
फॉरम है जहां पर क्वेश्चन आंसर से हटकर भी बहुत कुछ पोस्ट किया जाता है, पूछा जाता है, बताया जाता है। तो आप लोग इसका सहारा ले सकते हैं, इसकी मदद से भी आप लोगों को हजारों तरह का कंटेंट आइडियाज भी मिल जाएंगे, और आप लोग उसके ऊपर वीडियोस भी बना सकते हैं। आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे यहाँ पर और आंसर भी उसके मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर अगर आप सब रेडिट सर्च करें, आस्क रेडिट, यहाँ पर ये सबसे फेमस जो मतलब सब रेडिट है वो आस्क रेडिट है। और इसके अगर आप सर्च करें यहाँ पर, इसके मेंबर्स की बात करें 31 मिलियन से ज़्यादा, यानी 31.9 का मतलब 32 मिलियन से ज़्यादा मेंबर्स हैं इसके, और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मेंबर इस वक्त ऑनलाइन है। तो यहाँ पर लोग सवाल पूछते हैं, अगर आपको उसका आंसर आता है, या आप उसके ऊपर वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, ऑडियो कंटेंट बना सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं, ब्लॉग राइट कर सकते हैं, ये वेबसाइट के ऊपर बता सकते हैं, तो जो भी आप करना चाहे यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर रिलेटेड तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। कोरा की तरह ही ये एक सब रेडिट है, मतलब रेडिट के जैसे कैटेगरीज होती हैं, तो बेसिकली रेडिट के अंदर कैटेगरीज को सब रेडिट कहते हैं। तो ये एक कैटेगरी है आस्क रेडिट के नाम से, आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग कोई भी टॉपिक यहाँ पर सर्च कर ले, लाइक सोशल मीडिया आप सर्च करें तो ये एक सब रेडिट हमारे पास आएगा। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड पोस्ट मिल जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक ज़बरदस्त कम्युनिटी, इसके एल्गोरिथम इतना पावरफुल है कि अगर आप सोशल मीडिया को ओपन करें तो आपको सोशल मीडिया के कंटेंट मिलेगा, आपको कोई बाहर से ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो सोशल मीडिया से रिलेटेड ना हो। तो आप लोग इसका भी सहारा ले सकते हैं, और इसकी मदद से भी आप लोग हज़ारों तरह का कंटेंट आइडियाज़ फाइंड कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर अपनी वीडियोज़ बनाकर दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास आता है यूट्यूब। यूट्यूब सबसे बेस्ट आइडिया है अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, मतलब मैं यहाँ पर ब्लॉग की बात नहीं कर रहा, अगर आप वीडियो कंटेंट बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब बेस्ट प्लेस है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर आकर अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं बेसिकली, जो आपकी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनकी तरफ देखकर आप लोगों को आइडियाज़ मिलते हैं। लाइक मैं एजुकेशनल चीज़ें बनाता हूँ या एजुकेशन से रिलेटेड बताता हूँ, तो अगर आप लोग यहाँ पर नीचे आए तो आपको मतलब ये मैंने फॉलो किए हुए हैं जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो ये मेरे सब्सक्रिप्शन जो मैंने सब्सक्राइब किए हुए चैनल उसी के ये आपको डेमो देगा, यहाँ पर शो करवाते हैं वीडियोस। लेकिन यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ब्रांड इन, तो ये बेसिकली आपको कीवर्ड रैंकिंग के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट ये बंदा है, और मैं इसको काफ़ी अरसे से फॉलो करता हूँ। इसका ब्लॉग बैक लिंकों के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी फेमस है ये भी बंदा। आप इसकी वीडियोस अगर देखें, अगर आप बैक लिंकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो इसका कंटेंट देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग या ट्रैफिक से रिलेटेड करनी है तो आप लोग नील पाटल, काफ़ी फेमस हैं एक बंदा, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग यूट्यूब के ऊपर मतलब जनरेट कर सकते हैं आइडियाज़, और लाइक ये अब काफ़ी फेमस बंदा है। अगर आप लोग रैंकिंग के लिहाज से यूट्यूब की एसईओ से लिहाज से या एफिलिएट मार्केटिंग जो बेसिकली की जाती है तो उसके रिलेटेड ये चीज़ें बताता है, तो अब आप लोग इसकी तरफ देखकर इसकी तरफ आइडिया ले सकते हैं अपने, और अपने खुद का कंटेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो YouTube भी एक बेस्ट सोर्स है अगर आप लोग कंटेंट आइडियाज फाइंड करना चाहते हैं। अब अगर फर्ज करें आपको अपने कंपटीटर का पता नहीं है या आपको पता नहीं है, तो जैसी वीडियोज़ आप बनाते हैं, लाइक अगर आप मेरे चैनल की बात करें तो मैं मेक मनी या डिजिटल मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन या इसके अलावा बिजनेस आइडिया से रिलेटेड फाइंड करता हूँ। तो अब मैं लाइक यहाँ पर बिजनेस आइडियाज़, अब मेरी चूंकि उर्दू हिंदी में पाकिस्तान सेलेक्ट किया हूँ तो वो आइडियाज़ वही देगा जो उर्दू या हिंदी में होंगे यहाँ पर। तो अब ये जितने भी चैनल्स होंगे ये सारे मेरी तरह के कंटेंट बनाते हैं, तो मैं इनकी तरफ देखकर अपना एक न्यू आइडिया फाइंड कर सकता हूँ कि मैंने इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना है। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, और इसकी मदद से भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आइडियाज़ फाइंड कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट नंबर के ऊपर जो आपके पास बेस्ट मेथड है कंटेंट फाइंड करने के लिए वो है बज़समो। बज़समो.com बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से जो सोशल मीडिया के ऊपर, मोस्टली जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग में चीज़ें होती हैं वो आपको ये फाइंड करके देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, हम एक टॉपिक सर्च करते हैं यहाँ पर हेल्थ, हेल्थ चले मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, और इसको हम फाइंड करते हैं
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वेब कंटेंट के लिहाज से यहाँ पर ये वो वाला कंटेंट आपको देगा। अब ये सिर्फ 3 रिजल्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये पेड एक टूल है, लेकिन फ्री में भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जो चाहिए वो यहाँ से आप आइडिया निकाल सकते हैं। अब ये बताएगा कि जो मतलब वेबसाइट हैं जो बड़ी बड़ी, किस वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ के रिलेटेड बताया गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से YouTube के ऊपर देखें तो आप YouTube के लिए ऐसे भी कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं दोबारा से एफिलिएट मार्केटिंग लिखता हूँ, इसको हम सर्च करते हैं, तो ये YouTube से रिलेटेड आपको वीडियोस कंटेंट वगैरह आइडिया देगा। लाइक चेक कर सकते हैं कि जिसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं और वीडियो लेंथ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कितने लाइक हैं, कितने डिसलाइक हैं वगैरह वगैरह। तो सोशल एंगेजमेंट जितनी भी होती हैं, जितनी ज़्यादा होती हैं, उसको ये हाई लेवल के ऊपर लेकर आते हैं। तो इस तरह आप लोग कंटेंट आइडिया फाइंड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मदद से भी कंटेंट फाइंड करके अपना कंटेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसे मेथड हैं जिसकी मदद से आप लोग कंटेंट आइडियाज़ फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं तो मेरा चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और आप लोग किसी भी वीडियो से मिस ना हो। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।